सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 5 एप्स ऑफ फरवरी 2018। सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है सेव मोग, और ये जो एप्लीकेशन है एक मस्ट हैव एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो है किसी भी ऑनलाइन परचेज पे आप जो है कैशबैक पा सकते हो। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में आते हो तो यहाँ पर आपको कुछ टैब्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर सबसे पहला टैब जो है वो है हॉट स्टोर्स का, उसके बाद कैटेगरी टॉप कैशबैक और इनवाइट एंड अर्न का। तो पहले जो टैब में आपको सभी सभी वो वेबसाइट दिखाई देती है जहाँ पर आपको जो है कैशबैक अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करनी है जिससे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपको जो है एक्टिव कैशबैक पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आप देख पाओगे कि आपका जो कैशबैक है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है उनकी, और उनकी एप्लीकेशन पे भी है। तो आप जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन आपको जो है उस वेबसाइट पे जो है रीडायरेक्ट कर देगी, और उसके बाद आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करी थी उसके हिसाब से आप जो भी परचेस करोगे तो उसके बाद आपको जो है वही कैशबैक आपको सेम ओन की एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास डिलीवर होने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वेरीफाई करेगी कि आपने जो वो प्रोडक्ट ले लिया है। उसके बाद आपको जो है सेव मोंग की एप्लीकेशन में आपको जो है आपका कैशबैक मिल जाएगा, जिसको जो है आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन में आपको जो है इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन भी मिलता है, जहां से आप अपने फ्रेंड्स को अगर आप इनवाइट करते हो तो उनकी जो भी अर्निंग होती है उसका 20% आपको जो है लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। सो ये जो एप्लीकेशन है एक मस्ट हैव एप्लीकेशन है उन शॉपिंग लवर्स के लिए जो है ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। सो बढ़ते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ। हमारी जो अगली एप्लीकेशन है वो एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिसका नाम है एमुलेट वॉलपेपर्स, और यहाँ पर आपको जितने भी वॉलपेपर्स मिलते हैं वो एमुलेट पैनल्स के लिए हैं, जिससे आपकी बैटरी भी सेव होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सभी के सभी वॉलपेपर्स रखे गए हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल्स, एनाइम, और लगभग आपको यहाँ पर सभी टाइप की कैटेगरीज मिल जाती है, जहाँ से आप जो अपने टाइप के वॉलपेपर चूज कर सकते हो जिसको आप जो अपनी होम स्क्रीन पे सेव कर सकते हो। तो रिसेंट के टैब में आपको जो है हर एक वो वॉलपेपर दिखाई देगा जो अभी अभी न्यू ऐड किया गया है इस एप्लीकेशन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके भी देख सकते हो कि कौन सा वॉलपेपर ऐड हुआ है। और उसके बाद जो आपको ऑल टाइम पॉपुलर का एक टैब मिलता है, जहाँ पर आपको वो वॉलपेपर्स मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो जिसके बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। उसके बाद जो आपको एक शफल का टैब मिलता है, जहाँ पर आपको जो है हर बार शफल करके वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं, जो कि 20 वॉलपेपर होते हैं जिनमें से आप कोई भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी वॉलपेपर अपनी स्क्रीन पे सेट करना है तो आप उस वॉलपेपर पे क्लिक करके प्लस के टैब पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर कर सकते हो, या फिर आप क्रॉप करके उसको सेट कर सकते हो, या फिर शेयर कर सकते हो, या फिर उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो है वॉलपेपर के राइट कॉर्नर में एक जो है हार्ट का आइकन है, जिससे आप उस पर क्लिक करके आप जो है किसी भी वॉलपेपर को अपने फेवरेट की कैटेगरी में ऐड कर सकते हो, जिसको आप अपने बाद में सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन के ड्रॉअर में आपको जो है माई फेवरेट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपके सभी वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं जो आपने अपने फेवरेट में ऐड किए हैं। ये जो एप्लीकेशन है एक बहुत ही अच्छी वॉलपेपर एप्लीकेशन है, तो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है एनीफाई, और इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने किसी भी वाईफाई हॉटस्पॉट या फिर अपने वाईफाई राउटर की रेंज को आप जो है इनफाइनाइट किलोमीटर तक एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे आप कहीं पर भी बैठ के अपने वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है रियली बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। हमारी जो अगली एप्लीकेशन है वो जो है व्हाट्सएप से रिलेटेड है, और इस एप्लीकेशन का नाम है हाइड चैट नेम। और ये जो एप्लीकेशन है मुझे लगता है कि सबसे यूजफुल एप्लीकेशन है किसी भी व्हाट्सएप यूजर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है किससे बात कर रहे हो आप वो सब हाइड कर सकते हो। मतलब अगर आप बात कर रहे हो किसी और से, बट इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है उसको चेंज कर सकते हो, उसकी डीपी को चेंज कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, जिससे किसी को पता नहीं लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हो।
एक सिंपल सी एप्लीकेशन है बट बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन में आते हो यहाँ पर आपको बहुत सी टैब्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज में आप चाहे तो उसका नेम डाल सकते हो, फेक नेम डाल सकते हो, उसके ऑनलाइन स्टेटस को चेंज वगैरह कर सकते हो और उसकी डीपी को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेव करने के बाद आपके पास एक ग्रीन डॉट दिखाई देगा, जो कि जब भी आप व्हाट्सएप पे आओगे और किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इस ग्रीन डॉट पे क्लिक करके आप जो उस चैट को हाइड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे ही आप जो किसी भी चैट को हाइड करके और किसी से भी चैटिंग कर सकते हो। सो हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है सेल्फी फ्लैश, और ये जो एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए है जो डार्क में अपनी पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं, डार्क में अपनी सेल्फीज लेना चाहते हैं, और इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज डार्क में आपको कोई भी सेल्फी लेते हो तो आपके जो फेस पे वो लाइटिंग नहीं होती, बट इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो अपनी पिक्चर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। तो जैसे आप अपने स्टॉक कैमरा में आओगे अपनी सेल्फीज को क्लिक करने के लिए या फिर किसी भी कैमरा एप्लीकेशन में आओगे, तो आपको जो है वहां पर एक व्हाइट रिंग दिखाई देगी, जिस पे टैप करते ही आपको जो है एक बड़ी सी रिंग क्रिएट हो जाएगी व्हाइट कलर की। तो उस टाइम पे आपकी जो स्क्रीन पे आपके मुंह पे जो लाइट आएगी वो उस व्हाइट रिंग के थ्रू आएगी और जो आपकी सेल्फी आएगी वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस होगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ सके। सो मिलते हैं अपनी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।